डियर स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट फार्मूला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे इस फार्मूला को प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसकी लेंथ सपोज दैट फ्रॉम दिस टू दिस इज ए यूनिट। अब हमको इसमें प्लस बी भी है जिसका स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहां से आगे एक लेंथ इस टीसी में फॉरवर्ड नेक्स्ट फ्रॉम दिस टू दिस हम बी ले लेते हैं। तो टोटल कंप्लीट लेंथ क्या हो जाएगी हमारी ए प्लस बी। अब इसके बाद हम ये जो ए है स्क्वायर फॉर्म करना है, इसका स्क्वायर, तो हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हेयर लाइक इसको हम आगे ऐसे यहां तक कर सकते हैं जिसमें ये ए, ठीक है, और फिर इसको हम यहाँ तक बी करेंगे। ये जो साइड हमारी ए प्लस बी है तो इसको हम कंप्लीट यहाँ तक आगे भी करेंगे जिससे हमारी ये एग्जैक्ट स्क्वायर की फिगर बन जाए। तो ये हमारी लेंथ कितनी होगी, ये होगी बी, ये होगी ए, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये, और यहाँ से यहाँ तक बी। तो टोटल फिगर जो हमारा जो कि स्क्वायर के फॉर्म का है, यदि इसका हम एरिया फाइंड आउट करें तो हियर ए प्लस बी लेंथ एंड विड्थ इज ए प्लस बी इन स्क्वायर, लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड द टोटल एरिया इज गिवन बाई दैट फिगर इज ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर इसके छोटे छोटे जो एरियाज निकलेंगे उनको सम अप करके ये फार्मूला जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इसको हम प्रूफ करेंगे। तो ये ए हमने इसको यहाँ तक ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो एक पार्ट जो हम इसको कह लें फर्स्ट, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज लाइक इस स्क्वायर व्हिच साइड इज ए, तो दैट इज ए इनटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ ज्वाइन सिमिलर लाइक दैट हियर एंड दैट, दैट इज द बी एंड दैट इज आल्सो बी। What is the area of that figure? Now name that B, second. Area of second part B into B is B square. तो इस तरीके से हमने first और second का area निकाल लिया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है that is third part and the fourth part. तो अब हम third part का area find out करेंगे। Area of third part. थर्ड पार्ट जब देखेंगे तो ये देखिए, ये दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इज ए एंड विड्थ इज बी। तो व्हाट इज द रिजल्ट, द एरिया इज ए इनटू बी, दैट इज ए बी। सिमिलर लाइक एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, व्हाट इज विड्थ इज बी एंड लेंथ इज हियर सिमिलर करस्पॉन्डिंग दैट ये आपकी ए है, तो यहाँ से ए, तो हियर ए इंटू बी दैट इज ए बी। तो ये जो कंप्लीट फिगर जो कि एक स्क्वायर के फॉर्म में था, इसका एरिया ए प्लस बी स्क्वायर आया और इसको हमने फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इस फोर पार्ट का एरिया को यदि सम अप करें तो इसका रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम आइए हम ऐड करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, एरिया फर्स्ट पार्ट ए स्क्वायर,
area of second part b square, area of third part is ab, area of fourth part is ab. इसको सम अप करके हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दैट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो इस तरीके से ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसको बाय ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी.